स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर। अक्सर किताबों में, अखबारों में, दीवारों पर और कई सामानों पर आपने ये नारा खूब लिखा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब इन शब्दों पर कितना अमल करते हैं? क्या हम वाकई अपने घर, आसपास और वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने घरों को साफ करने की जिम्मेदारी निभाते हैं और घरेलू कूड़े कचरे को घरों से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, चाहे कूड़ा घर में या कचरा गाड़ी में। अगर वाकई आप ऐसा कर रहे हैं तो सही मायनों में आप अभी भी स्वच्छ भारत मिशन का मकसद समझने में नाकाम हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का मकसद सिर्फ अपने घरों की सफाई करना नहीं बल्कि अपने समाज और वातावरण की स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी है। इस मिशन का मकसद सिर्फ कचरे को बाहर फेंकना नहीं बल्कि कचरे का सही ढंग से उपयोग करना है और हर तरह के वेस्ट को लाभ कमाने में इस्तेमाल करना है। अब सोचिए कि हम में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। अक्सर हमारे घरों में दो तरह का कचरा उत्पन्न होता है, ठोस कचरा और गीला कचरा। ठोस कचरा यानी प्लास्टिक, कांच, लोहा, पुराने अखबार, कागज इत्यादि। गीला कचरा यानी सड़े गले फल सब्जियां, सब्जियों और फलों के छिलके, इस्तेमाल हुई चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, फूल, छोटे घास के टुकड़े, अंडे का छिलका इत्यादि। रिसाइकल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल होने वाले कचरे को हमेशा रसोई के कचरे से अलग रखना चाहिए। हमें इन्हें अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। फेंकने के बजाय इसे बेचकर हम लाभ कमा सकते हैं और इस तरह ये कचरा सही ठिकाने पर पहुंच जाता है। जबकि रसोई घर के गीले कचरे को एक अलग कूड़ेदान में रखें तो इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के जरिए इस घरेलू गीले कचरे से हम घर पर ही प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ या खाद्य कूड़े को पानी, वायु की मदद से सूक्ष्म जीव खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये खाद हमारी फसलों और पौधों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता, इसलिए यह मिट्टी के लिए लाभदायक होता है। इस काम को कैसे करना चाहिए, अब ये देखिए। असल में सूक्ष्म जीव कंपोस्टिंग के लिए चार चीजों का होना बेहद जरूरी है, जैसे सूखी पत्तियां, धूल मिट्टी, फटे पुराने कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, भूसा और धान का छिलका। इन सब से कार्बन गैस का निर्माण होता है। बचे कुचे फल और सब्जियों के कचरा, फूल, छोटे घास के टुकड़े, अंडे के छिलके से नाइट्रोजन गैस बनती है। हमारे वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन मिलती है और पानी की सही मात्रा इस कचरे को सड़ने में मदद करती है। ये सारा कचरा हमें घर में ही मिल जाता है, बस हमें इस कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। घरेलू गीले कचरे से खाद बनाने का काम हम अपने किचन गार्डन या फिर क्यारी में एक 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर भी कर सकते हैं। इस गड्ढे को कंपोस्ट पिट कहा जाता है। रसोई घर से निकले गीले कचरे को सूखे घास, भूसे और पत्तों के साथ मिलाकर एक के ऊपर एक परत बनाकर बिछाना है। जब गड्ढा कचरे से भर जाए तो इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा के लिए हाथों से हल्का पानी छिड़कना है और फिर इस गड्ढे को ढककर करीब 2 महीने के लिए छोड़ देना है। 2 महीने बाद जब आप गड्ढे को खोलेंगे तो आपको उच्चतम गुणवत्ता का बढ़िया जैविक खाद मिलेगा। तो है ना कितना आसान, गीले कचरे से बढ़िया जैविक खाद का निर्माण। अगर आपके घर में गड्ढा खोदने की जगह नहीं है तो आप कंपोस्ट पिट की जगह ये खाद कंपोस्ट बिन में बना सकते हैं। किसी भी बड़े आकार के घड़े, पुराने ड्रम या ढक्कन वाली बाल्टी में आप कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हवा जाने की जगह जरूर हो। कंपोस्ट पिट में 4 छेद करके आप उसे हवादार बना सकते हैं। हालांकि कंपोस्ट पिट में नमी की पूर्ति मिट्टी से हो जाती है, लेकिन कंपोस्ट बिन में आपको थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर पानी छिड़कना होगा ताकि बर्तन में नमी बनी रहे और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया चलती रहे। शहरी क्षेत्रों में लोग इस खाद को अपने गमले व क्यारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो अपने पौधों और मिट्टी को भरपूर पोषण दे सकते हैं। कचरे से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ और सावधानियां बरतना भी जरूरी है। कंपोस्ट बनाने के लिए कूड़ेदान में क्या न डालें? पुराना सड़ा हुआ या बदबूदार खाना, मांस और हड्डियां, जानवरों का मल,
रसायन पदार्थ, बैटरी, बीमारी लगे पौधे, दवाइयां, प्लास्टिक के बैग इत्यादि। ध्यान रहे कि कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे प्राकृतिक तरीके से बनाना ही कारगर है, लिहाजा इसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल हानिकारक है। इससे कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया से न सिर्फ हम गीले कचरे का सही प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि अपने वातावरण को भी साफ सुथरा बनाने में मदद कर सकते हैं और घर बैठे मुफ्त में ही उच्चतम गुणों वाला बढ़िया खाद बना सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारे पौधों को पोषण मिलेगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक असर हमारे पौधों और फसलों की पैदावार पर पड़ेगा। रसोई घर के वेस्ट से इतने सारे फायदों को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया है। साथ ही शहरों से लेकर गांवों तक इसके लिए फ्री काउंसलिंग और ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बस जरूरत है तो अपनी जिम्मेदारी को पहचानने की। हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। आओ मिलकर संकल्प लें, न रहेगा वेस्ट, न करेंगे वेस्ट।